आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है, हमें यहाँ प्रश्न में बोला है कि दो तापमान पी समान विधि के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। एक गोलाकार बल्ब लगाया गया है, दूसरे में बेलनाकार बल्ब लगाया गया है, तो कौन से ताप में परिवर्तन पहले दर्शाएगा यदि दोनों ताप में पारी की मात्रा समान है। तो देखो, दोनों ताप में पारी की मात्रा समान है, इसका क्या मतलब है कि दोनों जो हमारे पात्र हैं उनमें पारी की मात्रा समान है, तो दोनों का आयतन क्या है? समान है। तो आयतन क्या है? समान है। हम लिख लेते हैं कि बेलन का आयतन बराबर गोलाकार बल्ब या गोले का आयतन, दोनों के आयतन बराबर है। अब देखो, हमें पता है कि ऊष्मा की प्रवाह की दर क्या होती है, Q बटे T बराबर के ए डी टी बटे डी एक्स। देखो डी टी क्या होता है? तापांतर होता है, और डी एक्स क्या होती है? दूरी। लेकिन इस पूरी को मिला के बोलते हैं कि ताप प्रवणता। ए क्या होता है? क्षेत्रफल, जहां से क्या होता है? ऊष्मा का प्रभाव होता है। ये क्या है? क्षेत्रफल है। के क्या है? नियतांक है, ठीक है। के की यूनिट होती है वाट पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है, ये नियत राशि है, ठीक है। तो गोला का जो ये ऊष्मा प्रवाह की दर या कुल प्रवाहित ऊष्मा, टी होता है ऊष्मा प्रवाह में लगने वाला समय। तो देखो, हम ध्यान से देखते हैं, देखो हमारे पास दो चीजें, ये के तो नियत है दोनों के लिए, और विभव प्रवणता का मान भी नियत है, ताप प्रवणता का मान भी नियत है। तो हमें देखना है कि ये क्यू बट्टे टी किसके समानुपाती है? क्षेत्रफल के समानुपाती है। तो जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा, जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा उसमें ऊर्जा का संचरण क्या होगा? ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। अब देखो, हम जानते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? गोले का। तथा आयतन किसका? गोले का। ये अनुपात वाली राशि है, ये सबसे न्यूनतम होती है गोले में, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का अनुपात गोले में न्यूनतम होता है। तो इसका क्या मतलब लिया कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टे आयतन किसका? बेलन का। तो बेलन का क्या होगा? ज्यादा होगा, किससे? गोले से। किसके? गोले से। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात सबसे न्यूनतम किसमें आता है? गोले में आता है। ये हमें बेसिक गणित से पता है, ठीक है। अब देखो, आयतन से आयतन बराबर है, हमने प्रश्न में बोला कि आयतन समान है दोनों के। अब देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका ज्यादा? बेलन का ज्यादा है। तो जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होगा उसमें ऊष्मा का प्रवाह क्या होगा? ज्यादा होगा। तो बेलन में ऊष्मा प्रवाह का क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ऊष्मा प्रवाह की दर बेलन में ज्यादा होगी, तो बेलन में क्या होगा? ताप पहले परिवर्तित होकर दिखाएगा। तो जिस तापमापी में बेलनाकार बल्ब लगाया गया है उस तापमापी में पहले परिवर्तन दिखाएगा, क्योंकि बेलन में उसमें प्रभाव का मान क्या होता है? ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि बेलन का क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है गोले की तुलना में। तो हमारा क्या होगा कि बेलन हमारा उत्तर जाएगा। तो बेलन बल्ब लगाया जाता है, तो बेलन वाला बल्ब है वही सबसे पहले क्या होगा? अपने ताप में परिवर्तन दर्शाएगा। तो हमारा बेलन उत्तर सही होगा यहाँ पे। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE, वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।